लोगों के रजिस्ट्रेशन यहाँ पे हुए हैं, सो डेफिनेटली हर हमारे देश में हर तरह के लोग क्रिकेट खेलना चाहते हैं. इट्स वन ऑफ द बिगेस्ट गेम्स, सो ये एक अपॉर्चुनिटी है कि नए लोग अपने टैलेंट के साथ बाहर आ सकते हैं. मैं पहले जब स्कूल कॉलेज में था डेफिनेटली क्रिकेट खेलता था, फॉलो करता था, और हिंदुस्तान में कोई भी ऐसा नहीं है जो क्रिकेट को फॉलो नहीं करता है. और आज एक्साइटमेंट ज़्यादा इसलिए है क्योंकि इंडिया और ऑस्ट्रेलिया का मैच है, और मैं यही उम्मीद कर रहा हूँ कि हमारा देश जीते और सेमीफाइनल्स में हम अपनी टीम को वानखेड़े में खेलते हुए देखें. आई थिंक अभी बिग बॉस से बाहर निकला हूँ, कुछ फिल्में हैं जिनके लिए मैं काम कर रहा हूँ, सो आई एम गोइंग टू बी फिलहाल यही कहूँगा कि फिल्मों के शूट चल रहे हैं, टेलीविजन में दो तीन प्रोजेक्ट्स हैं, लेकिन एक तरह से मैं छुट्टी पे हूँ. ऑनेस्टली आई थिंक वेरी बेस्ट ऑफ लक टू ऑल द टीम्स, जितने भी टीम्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं उन्हें मुबारकबाद देना चाहूँगा. एंड डेफिनेटली टीम एक ही जीतेगी, ये बड़ा क्लीशेड सी लाइन है कि बस खेलिएगा, लेकिन डेफिनेटली मेहनत कीजिएगा, खेलिएगा, गेम को एंजॉय कीजिएगा. एंड मिथ तो इसके लिए हमने 27 फरवरी को डिसीजन लिया था जीतो मुंबई प्रीमियर लीग का ये टूर्नामेंट कराने का. वी वॉन्ट टू, इसके बाद जीतो मुंबई प्रीमियर लीग में जो दो टीम एंड में आएगी, फिर देन वी विल गो फॉर जीतो मुंबई JPL, जीतो प्रीमियर लीग इंडिया, और उसके बाद वो इंटरनेशनल जाएगा. तो इस बहाने एक संगठन होगा, द यूथ विल गेट टुगेदर, एंड इन चार दिन में हमने 1500 रजिस्ट्रेशन एक्सपीरियंस किए थे आए, और 8 लोकेशन पे हमने सिलेक्शन प्रोसेस किया था. तो विच हैज़ बीन अ ग्रेट बूस्ट फॉर जीतो मुंबई प्रीमियर लीग एंड द जैन कम्युनिटी. एंड नॉट ओनली मेम्बर्स आर फ्रॉम जीतो, द किड्स हु आर प्लेइंग दे आर अपार्ट फ्रॉम जीतो, दे आर फ्रॉम अदर जैन कम्युनिटी. सो दिस इज़ गुड फॉर जीतो एसोसिएशन ऑल्सो, कि हमारी मेम्बरशिप स्ट्रेंथ बढ़ेगी और वी आर गोइंग टू स्प्रेड इट वाइड. We have ISA Institute which we are giving 1 year training free to them as an international training. Apart from that, lots of cash prizes, coins are there. Which is a boost to themselves. They are playing and बहुत ही competitive tournament है जिसके अंदर कांगा लीग के players and players from like good cricket A division, B division are also playing in Jito, who are Jains, जिनको अभी तक platform नहीं मिला था. So now we come, they are like superstar of our Jains, JPL right now. जस्ट 6 मंथ्स बिफोर वी हैड डन जीतो गेम्स वेयर वी डिड चेस, बैडमिंटन, स्विमिंग एंड लॉट, 5 गेम्स वर देयर. देयर ऑल्सो वी हैड एक्सपीरियंस 1800 पार्टिसिपेंट्स इन मुंबई. तो इट वॉज अमेजिंग. एंड उसका फाइनल अहमदाबाद में हुआ था जहाँ पर 650 बच्चे फाइनल्स के लिए आए थे. So apart from Jito, not only is a business community, we are growing in sports to bring the youth and to bring an encouraging rahe and motivational rahe aur taki log jude hum se. Aapke team ke baaz opposition ko rok paye. All the best for your game, Vishal.
आगे मेन ऑब्जेक्टिव यही है कि यूथ जुड़े, क्योंकि जहाँ यंग जैसे हमारे जैसे यंग साथ में जुड़ेंगे तभी शक्ति बढ़ेगी, देन ओनली द एसोसिएशन कैन ग्रो एंड इट्स लाइक कम्युनिटी में बिजनेस जाता है, एक दूसरे को मिलेंगे, जहाँ आपका सोशल नेटवर्किंग बढ़ता है तो आप बिजनेस भी ज़्यादा करते हैं, सो इट इज़ लाइक अ विन विन सिचुएशन फॉर एवरीबडी एंड स्पोर्ट्स इज जस्ट अ मीडियम टू गेट देम टुगेदर। क्या उद्देश्य है टूर्नामेंट का? देखिए टूर्नामेंट का मेन उद्देश्य है जो हमारे जीतो एफएक्स के चेयरमैन प्रेसिडेंट ने जो हमारे पे जिम्मेदारी सौंपी है कि यंग जनरेशन जो जो लोग हैं जो जिसमें टैलेंट छुपा हुआ है, ये काफ़ी मुंबई में एक एक कोने कोने में खेले हुए हैं और हर जैन लोग हर जगह पे फैले हुए हैं और उसमें काफ़ी प्रतिभाएं छुपी हुई है, तो कैसे भी करके इनको एक सामने लाने के लिए, एक प्रतिभा को उनको सामने दिखाने के लिए और एक दूसरे को एकता के जोड़ने के लिए हम लोग ने टूर्नामेंट का उद्देश्य मैन रखा है। इस टूर्नामेंट के अंदर हम लोग 2009-10 में मेरे हुआ था, अभी हम लोग इसको हर साल करने वाले हैं। ये पहले हम लोग इसको मुंबई जोन मुंबई तक सीमित रखा है जिसमें 10 चैप्टर है और उसमें 8 टीमें खेलेंगी। इसके बाद में हमारा प्लानिंग है कि पूरा मारा इंडिया लेवल से हम लोग इसको टूर्नामेंट को करेंगे, इसको एक लार्ज स्केल में हम लोग करने की है, जैसे मात्रा चेन्नई है, बेंगलोर है, कलकत्ता है, अहमदाबाद है, फंड है, इसमें कोई फंड रेजिंग या ऐसा कुछ भी नहीं है कि किसी से पैसा लेके किया है, पर एक तरह का फ्रेंडली मैच है तो एक दूसरे स्पॉन्सर है जो करते रहते हैं और देखते हैं।